अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आज हम हिंदी गाला स्वाध्याय पोथी कक्षा 5 में इकाई 11 सच्चा बालक जीवन प्रसंग, उसमें लेखन कार्य करेंगे। चलो देखो, हमारा प्रश्न 1 है, पढ़िए और लिखिए। इसमें बेटा आपको यहाँ से देख के ही कॉपी करना है। मैं रीडिंग करती हूँ। फर्स्ट वन, लड़का, मेरे पास 40 अशरफियाँ है। ये जैसा लिखा है वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। जैसा लिखा है यहाँ पे लिखो अच्छे हैंड राइटिंग में। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। ये आपको अंदर से देख के ही कॉपी करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। काफिला कहाँ जा रहा था? बगदाद। बगदाद जा रहा था ना अपना काफिला। लड़के के पास कितनी अशरफियाँ थी? 40। काफिले पर कौन टूट पड़े? डाकू। बालक चुपचाप क्या देखता रहा? लूटमार। हमारी कहानी में वो छोटा बच्चा था ना अब्दुल कादिर, वो क्या देखता था? लूटमार। डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया? लूटमार। डाकू थे, लूटमार करते थे, बाद में उन्हें सीख मिली तो लूटमार करना छोड़ दिया। सच बोलने वाला बालक कौन था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? बगदाद में। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो आगे जाते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-1 वाक्य में लिखिए। पहला है, लड़के ने अशरफियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने अशरफियाँ उसकी सदरी में सीधी थी ना, हमने स्टोरी में देखा था। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी, कि हमेशा बेटा सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। डाकू लड़के को किसके पास ले गया? डाकू लड़के को अपने सरदार के पास ले गया। चौथा, डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? लड़के ने अपनी सदरी फाड़ कर उसमें छिपी 40 अशरफियाँ दिखाई, तब आश्चर्य हुआ। डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? डाकुओं ने फिर कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। ये है हमारा पृष्ठ क्रमांक 19। इस पे हमने प्रश्न 1, 2 और 3 देखे। अब आगे चलो देखो, यहाँ पे मुहावरे और उनके अर्थ के सही जोड़े मिलाइए, पता चलना। यहाँ पे सब क्वेश्चन है, यहाँ पे सब उसके आंसर्स है, इसमें से फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे लिखना है। पता चलना यानी मालूम होना, घुटने टेकना, हार मानना, नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना, आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, कान फूंकना, किसी के विरुद्ध कुछ कहना, टूट पड़ना यानी हमला कर देना। आगे प्रश्न 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए।
यात्रियों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? काफिला। लूटना और मारना, लूट मार। सोने का सिक्का, अशरफी। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में कुछ वर्ड्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 फिलअप्स है। रास्ते में काफिले पर डाकू टूट पड़े। लड़के ने अपनी सदरी फाड़ डाली। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। सच बोलने वाले बालक का नाम अब्दुल कादिर था। यहाँ पे हमने प्रश्न 6 तक कंप्लीट किया। अगले वीडियो में, अगले पीरियड में हम आगे लिखेंगे। ओके, थैंक यू।